गोभी यूं तुम रसगुल्ला में, गोभी यूं तुम धूम मचा ले गाती हूँ। विदिशा जिले के पठारी में आरिका संघ के सानिध्य में चल रहे हैं पर्यूषण पर्व। रोज हो रहे हैं सांस्कृतिक कार्यक्रम, बच्चे ले रहे हैं भाग, कई लोग कर रहे हैं सिर्फ जल उपवास। नमस्कार, मेरा नाम है शिवम कुशवाहा और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। विदिशा जिले के पठारी में दिगंबर जैन समाज का प्रमुख पर्व पर्यूषण महापर्व चल रहे हैं। आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर पठारी में चातुर्मास कर रही 105 विज्ञानमती माता जी की परम शिष्या 105 आरिका सुयसमती उदितमती एवं रजतमती माता जी के सानिध्य में पर्यूषण पर्व में कई प्रकार के आयोजन चल रहे हैं। इसमें सुबह से सामूहिक रूप से समस्त जैन समाज के द्वारा श्री जी का अभिषेक शांति धरा के पश्चात आरिका संघ के द्वारा मंगल प्रवचन पूजन विधान किए जा रहे हैं। 10 दिन चलने वाले इस महापर्व के शुभ अवसर पर मंदिर में दोपहर को आरिका माता जी के द्वारा विधान प्रवचन एवं रात्रि में सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं आरती का आयोजन किया जा रहा है। जैन समाज के लोग अपनी अपनी श्रद्धा अनुसार इन 10 दिनों तक कुछ निर्जला तो कुछ सिर्फ जल ही लेकर उपवास कर रहे हैं। माता जी के सानिध्य में वैसे तो कई लोग जल उपवास कर रहे हैं, लेकिन लगभग 30 लोग लगातार 10 दिनों तक जल उपवास कर रहे हैं। छोटे छोटे 10 वर्ष के बच्चे भी केवल जल लेकर उपवास कर रहे हैं। पर्यूषण पर्व के चौथे दिन 105 रजतमती माता जी ने सुबह शांति धरा के दौरान कहा कि 3 दिनों के पर्यूषण पर्व में वंदना के लिए अभी चढ़ाई पूरी हुई है, अभी वंदना और उतारना बाकी है। आरिका संघ ने अपनी अमृतवाड़ी से कहा है कि आपकी त्याग तपस्या देखकर इंद्र भगवान भी प्रसन्न होकर वर्षा कर रहे हैं। इस 10 दिन में त्याग तपस्या करके साल के 365 दिन के दुख खत्म हो जाते हैं, इसलिए यह महापर्व त्याग तपस्या के लिए पर्यूषण महापर्व आता है। विश्व पठारी से हमारे रिपोर्टर आशीष सहले की रिपोर्ट, देखते रहिए द खबरदार न्यूज। लाइट में लाल टेन, तुम कंप्यूटर में लिंक पेन, तुम ऊंची ईड़ी सैंडल हो, मैं फटा पुराना जूता हूँ, तुम मौसमी सी लगती हूँ, सजनी में पका पपीता हूँ, जो तुम कहती हूँ सो करता हूँ, सजनी में तुमसे डरता हूँ, तुम क्लब में डांस किया करती हूँ, मैं घर में पानी भरता हूँ, तुम मौसमी सी लगती हूँ, सजनी में पका पपीता हूँ, तुम खर्ची ली मैं लोभी हूँ, तुम रसगुल्ला मैं गोभी हूँ, तुम धूम मचा ले गाती हूँ।